धरातल पे काम नहीं करेगा और अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करेगा, उस व्यक्ति को के पास और कोई चारा भी नहीं बचेगा। इस बार बीजेपी ज्वाइन की है, फिर आएंगे तो अगली बार कांग्रेस ज्वाइन कर लेगी। आप ईमानदारी से यदि विश्लेषण करना चाहते हो तो आप उनकी आज टेलीफोन की लोकेशन आप निकाल लो कि 2009 में चुनाव हारने के बाद, आज 2014 के अंदर जब चुनाव हारने के बाद लगभग 10 साल हो गए, 10 सालों में नागौर में कितनी बार रही, इससे आपको पता लग जाएगा। ऐसे लोग जो है ना, ये चाहते हैं कि हम, एक जमाना था जब इनके बुजुर्गों की तुत्ती बोलती थी और जनता भी बोली थी उस टाइम, तो कहीं ना कहीं उस भावनात्मक लगाव था और वोट दे देते। अब लोगों की चाहिए कि हमारे बीच आने वाला व्यक्ति कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सुख दुख के अंदर आड़े आए, उसको हम अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। तो इनके अंदर कुंठा है कि हमारे, हम पहले घर बैठे जीत जाते थे, अब आज हमारी वो अहमियत नहीं है। तो ये लोग अब पार्टी चेंज करने का ही काम करेंगे।